कन्नौज में भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा तालाब स्थित बड़केश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई। यहां से नगर पंचायत चौराहा होते हुए मुख्य मार्ग से बहिरावत मार्ग स्थित परिणय गार्डन पहुंची। यहां पर परशुराम जी की पूजा अर्चना और आरती के बाद सहभोज का आयोजन किया गया। यात्रा का विधायक अजय शर्मा, मित्र मंडल पूर्व पार्षद संजय झंझोट, मित्र मंडल बस स्टैंड पर समाजसेवी राजू तिवारी इंदौर द्वारा शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर उनके परिजनों को याद में सभी समाजजनों को गिफ्ट भेंट किए। तिवारी ने विधायक आशीष शर्मा का पुष्पमाला से स्वागत किया और शोर यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष बच्चों ने भाग लिया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। कोरोना के कारण 3 वर्षों से नहीं निकली थी, आज सर्व ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। जय परशुराम। आज ये शोर यात्रा परशुराम तक निकल रही है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? प्रतिवर्ष भगवान परशुराम जी की शोर यात्रा निकाली जाती है। कोरोना के संकट के कारण कहीं न कहीं ये बाधित हुई थी। इस वर्ष मातृशक्ति बड़ी संख्या में इस यात्रा में उपस्थित है। भगवान परशुराम हम सबके आराध्य हैं, उनके ज्ञान तप और उद्देश्य हम सब लोग अपने जीवन में अपनाएं, यही इस यात्रा का उद्देश्य। सभी विप्र बंधुओं को भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। परशुराम शोर यात्रा निकालने के संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, भगवान का प्रति वर्षानुसार हम लोग अपना जुलूस निकालते हैं। परशुराम भगवान का इस वर्ष भी निकाले, 2 साल कोरोना का काल में नहीं निकल पाया था, इसलिए मतलब पुनः वापस जोश खरोश के साथ सर्व ब्राह्मण समाज, परशुराम युवा ग्रुप और सब मिलकर ये जुलूस निकाल के भगवान परशुराम जी को अपने याद कर रहे हैं, उनके आदर्शों पर चलने का भरोसा दिला रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।